यूपी निकाय चुनाव में इस बार गाजियाबाद की सीट महिलाओं के लिए आरक्षित की गई, जिसके बाद सभी पार्टियों ने महिला उम्मीदवारों को मैदान में उतारा है। पिछले 22 साल से गाजियाबाद नगर निगम पर बीजेपी का कब्जा रहा है। कांग्रेस ने अपना वनवास खत्म करने के लिए इस बार डॉली शर्मा पर विश्वास जताया है। डॉली शर्मा महानगर अध्यक्ष नरेंद्र भारद्वाज की बेटी है। डॉली शर्मा सूर्य नगर स्थित सी ब्लॉक में परिवार के साथ रहती है और सामाजिक कार्यों में बढ़ चढ़ हिस्सा लेने की वजह से स्थानीय लोगों में मजबूत पकड़ है। डॉली शर्मा नोएडा के IMS कॉलेज से MBA कर चुकी है, वहीं सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहती है। डॉली शर्मा चुनाव में व्यवस्था के चलते अभी सोशल मीडिया पर समय नहीं दे पा रही है, लेकिन इनकी सोशल मीडिया पर लोकप्रियता में कोई कमी नहीं आती दिख रही। डॉली शर्मा के फेसबुक पेज पर तकरीबन 63,000 फॉलोअर है। डॉली शर्मा कहती है, वैसे तो उन्हें हर धर्म, हर वर्ग और हर उम्र के लोगों का समर्थन मिल रहा है, लेकिन युवा वर्ग उनसे जल्दी जुड़ रहा है और यदि जनता के सपोर्ट से वो मेयर बनती है तो युवाओं और महिलाओं के लिए काम करेंगे। महिलाओं का विकास उनकी प्राथमिकता होगी। चुनाव के नतीजे चाहे जो भी हो, लेकिन कांग्रेस प्रत्याशी के रूप में डॉली शर्मा का शिक्षित होना और युवा होना चुनाव में फायदा जरूर पहुंचाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, नेशन टाइम्स।